नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी कमेंट थी जैसे कि सर मैं बीकॉम सेमेस्टर 3 में हूं, मैं बीए सेमेस्टर 3 में हूं तो क्या मैं ऑनलाइन एग्जाम दे सकता हूं? और तब मैंने आंसर दिया था नो, आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, बिकॉज तब गुजरात यूनिवर्सिटी ने ना तो क्लैरिफिकेशन की थी ना तो डिक्लेरेशन किया था। तब गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया था कि ये सेमेस्टर मतलब बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, और ऑनलाइन के लिस्ट में भी बीकॉम सेमेस्टर 3 नहीं दिखा रहे थे। बट अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, कुछ कोर्सेज कुछ सेमेस्टर ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन के लिए परमिशन मिल गई है। तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कौन सी लास्ट डेट है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम की पैटर्न कैसी होगी, पेपर स्टाइल कैसी होगी, और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज या सेमेस्टर के स्टूडेंट अब ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो अब बीए सेमेस्टर 3, बीकॉम सेमेस्टर 3, बीबीए सेमेस्टर 3, बीसीए सेमेस्टर 3, एमएड सेम 3 एंड बीएससी सेमेस्टर 5, ये सारे स्टूडेंट चाहे तो अब ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए उनको ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन कराना है, और ये रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2020। आपको 28 दिसंबर 2020 से पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाना है, 28 दिसंबर 2020 पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। विद इन 1 मिनट का वीडियो है, आप देख लेना तो आपको पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पता चल जाएगी। सेकेंडली एक और बात बता दूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह भी क्लियर किया है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाने के बाद ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सो बी क्लियर दैट अगर आप ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट करते हैं सर मैंने ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मुझे ऑफलाइन एग्जाम देनी है तो मैं क्या करूं? तो वो आप ऑफलाइन एग्जाम तब नहीं दे सकते, ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया है। थर्ड, ऑनलाइन एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, कौन सी डेट को ऑनलाइन एग्जाम होगी वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ऑफलाइन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करा दूं, ऑनलाइन कब एग्जाम होगी वो अभी तक डिक्लेयर नहीं है। अब ऑनलाइन एग्जाम में पेपर स्टाइल कैसी होगी, तो ऑनलाइन एग्जाम में पेपर स्टाइल होगी एमसीक्यू बेस्ड होगी, पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, पेपर में आपको एमसीक्यू कैसे अटेंड करनी है, और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए क्या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सारी डिटेल के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिए, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, तो आप वहां जाके वो लिंक चेक कर लेना, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होती है, ऑनलाइन एग्जाम में पेपर स्टाइल क्या होती है, और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए क्या क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए तो कितनी स्पीड वाला चाहिए, वो सारी डिटेल आपको वो वीडियो में मिल जाएगी, नीचे मैं नीचे लिंक रख रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। सो स्टूडेंट, ये वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको ये बताना चाहता था कि कौन कौन से सेमेस्टर या कोर्सेज के स्टूडेंट अब ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, आप वहां जाके क्लिक करके वो सारी डिटेल पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी ऑनलाइन एग्जाम रिगार्डिंग। सो गुजरात यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग ऐसे न्यूज एंड अपडेट एंड एजुकेशनल वीडियो के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड नोटिफिकेशन को ऑन करो, जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, सो नोटिफिकेशन को ऑन करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।